सेवा जोहार साथियों, सबसे पहले मैं अपनी पुरखा शक्ति पेन शक्ति को सेवा जोहार करूँगा। धरती दाई ना सेवा सेवा, जिम्मेदारी नहीं आया ना सेवा सेवा, सगा समाज का सेवा सेवा। साथ ही मैं उन विचारों का भी सेवा जोहार करूँगा जिनके माध्यम से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया है। मैं सर्वप्रथम सेवा जोहार करूँगा डॉक्टर सूर्या बाली सर, दादा संबल मरकाम जी, दादा राजा रावण राजतिलक धुर्वे जी, साथ ही राष्ट्रीय संचालक मंडल के सदस्य दादा मोहन मरकाम जी, जिनके विचारों से आज मेरे जीवन में एक बदलाव आया है। और इस बदलाव का उदाहरण कहिए या उसका फल कहिए कि आज मैं आप सभी के बीच में लाइव अपनी बात रख पा रहा हूँ, तो मैं अपना परिचय दे देना चाह रहा हूँ। मैं दीनू इके गोंड, जिला अध्यक्ष जीएसयू बालाघाट, मध्य प्रदेश से। और ये बड़ी खुशी की बात है हम सभी जीएसयू योद्धाओं के लिए कि हम इस कोरोना महामारी के चलते भी जीएसयू के इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन को इतनी बहुत अच्छी से कर पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं खास तौर से जैसे कि युवा वर्ग से जुड़ा हुआ है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, तो उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि युवा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता, युवा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी उम्र कितनी, युवा होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारी उम्र कितनी है, हम छोटे हैं बड़े हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर ऊर्जा, उमंग, जज्बा और कुछ कर दिखाने का जुनून कितना है। तो साथियों, हम इतना कहना चाहता हूँ कि यीशु से जुड़कर जो युवा साथी हैं वो सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अगर हमें कोई तुर भारत का निर्माण करना है, एक अच्छे समुदाय का निर्माण करना है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को अपने कंधे पर इस भार को लेना होगा। और युवा ही है जो इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम देखते आ रहे हैं कि हर पीढ़ी की अपनी एक अलग सोच होती है, अपने अलग एक विचार होते हैं जो समाज के विकास और दिशा में योगदान देते रहते हैं हमेशा ही। हम ये नहीं कहेंगे कि आज का युवा पीढ़ी प्रतिभावान नहीं है, बल्कि आज का युवा प्रतिभा का और क्षमता वाला होता है। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी स्वास्थ्य भी खराब है तो थोड़ी तकलीफ होगी आप लोगों को सुनने में भी। आज का युवा हमेशा ही कुछ चीज़ों को, हमेशा नए नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। बहुत अच्छी बात है हमारे समुदाय के लिए। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ हमारे युवा किसी भी परिणाम को पाने के लिए विभिन्न चीज़ों के लिए जल्दबाजी करते रहते हैं, और अंत में परिणाम प्राप्त करने की दिशा में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि उन्होंने उस चीज़ का चयन क्यों किया है, किस लिए किया, इस चीज़ को भूल जाते हैं। आज दुनिया में पहले से ज़्यादा हिंसा हो रही है, और कहीं ना कहीं इन हिंसा में युवाओं का भी योगदान उतना ही रहता है। मैं उन तमाम जनजाति कोयतुर समुदाय के युवाओं से कहूँगा कि इस तरह की हिंसाओं से अपने आप को दूर रखें, आप एक बेहतर कोयतुर भारत निर्माण में लगे रहें, क्योंकि आपके कौशल और आपके विचारों की बहुत ज़रूरत आज समुदाय को है। लेकिन कुछ युवाओं को देखा जा रहा है कि वे अपनी समुदाय की कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो या विचार हो, उन चीज़ों से हटके होते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जब 13 जून को जब अधिवेशन शुरू हुआ जीएसयू का, तो उसकी सफलता की इतनी चर्चाएं हो रही चारों तरफ जो कि एक काबिले तारीफ है। और कोयतुर समाज के संगठनों में एक इतिहास रचा गया है कल की डेट पे 13 जून को,
कि लगातार 11 से 12 घंटे कहना चाहिए हमारा जो अधिवेशन चला है एक इतिहास है। एक कोई तुर संगठनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ तक जानता हूँ अन्य संगठनों ने भी आज तक इतना लंबा अधिवेशन ना किया हो, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि युवा अपनी जो एक विचारधारा है उसको सही दिशा में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक जीएसयू एक ऐसा माध्यम बना हुआ है युवाओं के लिए। आप तमाम युवा जितने भी मुझे सुन रहे होंगे उनसे यही कहूँगा कि आप अगर अपने भविष्य को और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को, अपने समुदाय की भविष्य को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज एक परिवार, एक परिवार के रूप में उभर कर आया जीएसयू, तो कहीं ना कहीं आपको इस परिवार के साथ जुड़ना होगा, तभी आप अपने आप को, अपने परिवार को एक नई दिशा दिशा दे सकते हैं। आज युवा सोशल मीडिया में इतनी एक्टिव है, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, लेकिन उस सोशल मीडिया में सही चीज़ों का इस्तेमाल करते भी आना चाहिए। आज हम लोग जीएसयू के माध्यम से इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हमसे जुड़ना होगा, तभी आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जीएसयू आप सभी के लिए है, आपको एक बोलने का मौका देता है, मंच देता है, आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, लेकिन आज की वह सोशल मीडिया पर एवं मोबाइल फ़ोन पर सही उपयोग करना छोड़कर, आज युवा अपने फ़ोन का सही उपयोग करना छोड़कर वो युवा अपने कोमल कोमल हाथों से, भीआई वाले हाथ, जो कोमल कोमल हाथ होते हैं उससे वो अपने जो मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन होता है 6 इंच या जो भी होता है उस पे वे बहुत से ऐसी गतिविधियों में तल्लीन रहते हैं कि जहाँ से उन्हें ये समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। और आज सभी युवा फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि वे लोग लिखित पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप एक बेहतर फोटोग्राफ्स हो, अगर आप ऐड कर दीजिए तो आपको 300-400 लाइक मिल जाएंगे, लेकिन एक लिखित पोस्ट जो कि एक जनरली बहुत अच्छी जानकारियां प्रोवाइड की जाती है हमारे जो महानुभाव हैं उनके द्वारा, उस पोस्ट को नहीं पढ़ते, तो ये हमारी कमजोरी है, इन्हें दूर करना होगा। मैं ख़ास तौर से उन जनजाति युवाओं से गुजारिश करूँगा कि आप लिखित पोस्टों को ज़्यादा ध्यान दें, लिखित पोस्टों को ज़्यादा ध्यान दें, आप उससे बेहतर अपने आप को, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अगर हम कोयतुर भारत का निर्माण करना चाहते हैं, और हमारा कोयतुर भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है, हमारे कोयतुर भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ का युवा, हमारा कोयतुर भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ का युवा नैतिक रूप से सनकी, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा और इस अखंड कोयतुर भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा कोयतुर भारत निर्माण कतई संभव नहीं हो सकता। साथी, तो मैं उन तमाम युवाओं से कहूँगा कि अपने आप को एक बेहतर दिशा की ओर लेके चले, और आज ही आप लोग जीएसयू इंडिया से जुड़े, आपका भविष्य इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जीएसयू इंडिया से जुड़े। बाकी आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, आप सभी को मैं पुनः सेवा जोहार करूँगा और अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। साथियों, सेवा जोहार और जीएसयू इंडिया से हमेशा जुड़े रहे, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। सेवा जोहार।